हमने अभी देखा कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जरूरी नहीं कि एक ही इंटरफेस पर कैलकुलेट कर सके। हम ये देखते हैं कि दो सरफेस हो या दो से ज्यादा भी सरफेसे हो, दो से ज्यादा इंटरफेसेस हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो हम इसको जनरलाइज करते हैं कि अगर मेरे पास एक या नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम एन रिफ्रैक्टिव इंटरफेसेस हो, तो एन इंटरफेसेस पे मैं किस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करूंगा, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस से कि कुछ इस तरह से मीडियम है, दिस इज, ये एक इंटरफेस है जिसको हम लेट से एक्स वाई नाम दे देते हैं। इसके ऊपर मीडियम एन वन है, इसके नीचे मीडियम लेट से एन टू है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे है तो एक और इंटरफेस है जिसको हम लेट से एक्स वन वाई वन नाम दे देते हैं, इसके नीचे लेट से एन थ्री है। तो कैसा है, एन वन ऊपर, एन टू नीचे और एन थ्री उसके नीचे। अब हम मानते हैं कि इसके नीचे एक और लेयर है, एक और लेयर कैसी, कुछ ऐसी, समथिंग लाइक दिस। इस लेयर को क्या नाम दे, एक्स टू वाई टू, ये एक इंटरफेस है, अल्टीमेटली दिस इज एन इंटरफेस ओनली। इस इंटरफेस पे एक्स टू वाई टू पे ऊपर मीडियम कौन सा है, एन थ्री, नीचे क्या होगा, नीचे हम मान लेते हैं एन फोर है। तो अब एन वन, एन टू, एन थ्री, एन फोर, चार अलग मीडियम आ चुके हैं, लेकिन हम ऐसा भी रुकेंगे नहीं, अब हम और मीडियम मानेंगे, इस फोर के नीचे और मीडियम मानते हैं। तो इससे यहां से चलते 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 मैंने बहुत सारे मीडियम अज्यूम करता गया और फाइनली एक रे आई एक्स एन वाई एन, एक इंटरफेस आया एक्स एन वाई एन। एन मतलब, एन मतलब कोई भी नंबर, कोई भी नंबर। एन कैसा हो सकता है, एन जैसे छ हो गया, एन छ हो गया मतलब इंटरफेस कितने हो जाएंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात, ऐसे इंटरफेस हो जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज एक्स एन, जैसे यहां से कैलकुलेट किया तो एक्स वन, एक्स टू, अप टू एक्स एन, तो दिस इज एन इंटरफेसेस और एक ही एक्स्ट्रा वाला ऊपर जो हमने लिया, तो टोटल एन प्लस वन इंटरफेसेस दिखेंगे हमें यहां पे। सो एन प्लस वन इंटरफेस मतलब एन प्लस वन मीडियम, जैसे एक इंटरफेस पे दो मीडियम थे। अब यहां से आपने देखा कि ये एन मीडियम, एन वन है, ये एन टू है, किसके ऊपर, वाई वन के ऊपर एन टू है, उसी तरह से वाई टू के ऊपर क्या है, एन थ्री। तो ऐसा चलते 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 एक्स एन तक जाएगा ये। नाउ हम मान लेते हैं कि ये मीडियम एन, इसको एन नहीं लेते, इसको कुछ और लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, एक्स टेन एंड वाई टेन, लेट अस से दिस इज दस, टेंथ लेयर, टेंथ लेयर आ गई। ठीक है, टेंथ या फिर पी मान लेते हैं, थोड़ा और सिंपल हो जाएगा, पी नंबर की लेयर आ गई। तो इसका मतलब इस लेयर के जस्ट ऊपर कौन सा मीडियम होगा, इस लेयर के जस्ट ऊपर मीडियम होगा एन पी प्लस वन, और इस लेयर के जस्ट नीचे होगा एन पी प्लस टू। तो ऐसे कितने मीडियम हो गए, एन वन से लेके एन पी प्लस टू तक मीडियम्स हमारे पास हो गए। अगर मुझे कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पी प्लस टू मीडियम विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, हम ये देख सकते हैं कि अल्टीमेटली दिस मीडियम विल बी इक्वल्स टू एन ऑफ पी प्लस टू डिवाइडेड बाय एन ऑफ वन, ऐसा कुछ, एन ऑफ पी प्लस टू अपॉन एन ऑफ वन। नाउ अगर हम इस चीज को एनालाइज करें और देखें, वो जो हमने ग्लास और वाटर के इंटरफेस पे देखा था, एयर ग्लास और वाटर के इंटरफेस पे, सेम चीज यहां पे भी एप्लीकेबल होगी, और फाइनली यू विल फाइंड कि एन ऑफ पी प्लस टू विद रिस्पेक्ट टू वन विल बी इक्वल्स टू एन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन इंटू एन ऑफ थ्री विद रिस्पेक्ट टू टू इंटू एन ऑफ फोर विद रिस्पेक्ट टू थ्री इंटू डॉट 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 अप टू एन ऑफ पी प्लस टू विथ रिस्पेक्ट टू
पी प्लस वन। क्यों ऐसा? क्योंकि लाइट रे सबसे पहले एन वन से आ रही है, एन टू के अंदर जा रही है, फिर एन टू के अंदर जाके फिर से रिफ्रैक्ट हो रही है, फिर रिफ्रैक्ट होके एन थ्री में आ रही है, एन थ्री में रिफ्रैक्ट होके एन फोर में जा रही है, और फाइनली फिर सभी मीडियम से पास होते 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 एन पी प्लस टू से बाहर निकल जाती। सो इसीलिए हमने जो सबसे पहला इंसिडेंस रे था और जो सबसे आखिरी रिफ्रैक्टेड रे था उसके रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने की कोशिश की, एंड वी कैन कैलकुलेट इट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। कि ऐसा अगर पांच छह मीडियम एक साथ लगे हों तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, सभी मीडियम के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो यू विल गेट दिस फॉर्मूला, दिस वन। यू कैन नोट दिस। ओके, सो हमने ये देखा अभी तक कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। बहुत डीप में अच्छे से समझ लिया, सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब मुझे नहीं लगता कि हम कंफ्यूज होंगे कहीं पे। ओके, सो ऐसा कॉन्फिडेंस शायद आप भी फील कर रहे हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, लेकिन रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है ये हमने अभी तक नहीं सोचा, या शायद हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है, ऐसी क्या वजह है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, होना ही क्यों चाहिए, हो ही क्यों रहा है ये रिफ्रैक्शन, इसमें ऐसी क्या खासियत है। तो इस खासियत को समझने की हम कोशिश करते हैं। सो वी विल ट्राई टू राइट कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम ये जानते हैं कि जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तब उस वक्त लाइट की स्पीड में एक चेंज आता है, लाइट की स्पीड एकदम से बदल जाती है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो ये जो लाइट की स्पीड में चेंज है यही रीजन है रिफ्रैक्शन के होने का। सो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज वेरी वेरी सिंपल, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज ओनली चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर मीडियम। लाइट की स्पीड का बदलना विल बी द रीजन फॉर रिफ्रैक्शन। अब बदलना कैसा हो सकता है, लाइट की स्पीड ज्यादा भी हो जाए कम भी हो जाए। जैसे कि अगर लाइट वाटर से ग्लास में जाती है तो वाटर में कितनी है लाइट की स्पीड, इट इज समथिंग 4/3 मीन्स 2.25 × 10⁸, 2.25 × 10⁸ इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। लेकिन ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट इज 2 × 10⁸। सो आई विल से कि जब लाइट वाटर से ग्लास में जाएगी, वाटर इज अ रेयरर मीडियम, ग्लास इज अ डेंसर मीडियम, ऐसा हमने पढ़ा था। तो जब भी लाइट किसी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वहां पे लाइट की स्पीड में डिक्रीज होगा, लाइट की स्पीड गिरेगी, कम हो जाएगी। और जब भी लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो लाइट की स्पीड इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने का ये मतलब नहीं कि लाइट की स्पीड हमेशा 3 × 10⁸ हो जाएगी, ऐसा नहीं। अगर आपने एक ग्लास और वाटर का इंटरफेस लिया तो ग्लास इज अ डेंसर मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड कितनी होती है, 2 × 10⁸, और वाटर इज अ रेयरर मीडियम जहां पे लाइट की स्पीड 2.25 × 10⁸। तो हम ये देख सकते हैं कि ग्लास से आने वाली लाइट 2.2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से आ रही थी,
लेकिन जैसे ही वो वाटर में एंटर करती है वैसे ही उसकी स्पीड 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 हो जाती है, मतलब लाइट की स्पीड 0.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड से इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। सो सिंपली वी कैन से कि चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और क्या कह सकते हैं हम, वी कैन से स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस व्हेन ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स अपोजिट, कि जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो स्पीड जो है वो बढ़ेगी, जब रेयरर से डेंसर में आएगी तो स्पीड घट जाएगी। लेकिन क्या हर बार लाइट की स्पीड सेम क्वांटिटी से घटती है? रिफ्रैक्शन तो होता है ये हम समझ गए, लेकिन क्या हर बार सेम रिफ्रैक्शन होता है? क्या ऐसा जरूरी है कि लाइट हर बार सेम ही स्पीड से कम हो या उसकी स्पीड अचानक से उतनी ही बढ़े? तो चेंज आने वाला है लाइट की स्पीड में, क्या वो चेंज हर बार सेम होता है? नहीं, लाइट की स्पीड में आने वाला चेंज हर बार सेम नहीं होता। चलिए इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं कि हम ये कैसे कह सकते हैं। हम ये कहते हैं कि लाइट की स्पीड, लेट से एक हमने इंटरफेस लिया एक्स वाई, जिसमें यहां पे ग्लास है, यहां पे वाटर है। जब लाइट ग्लास से आके वाटर में जाती है तो लाइट की स्पीड ग्लास में कितनी होती है, उसको हम एस जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज रिप्रेजेंटेड बाय एस जी। कितनी होती है लाइट की स्पीड? इट इज 2 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड। और वहीं लाइट की स्पीड वाटर में कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। सो जो चेंज आया तो हम यहां लिखते हैं चेंज इन स्पीड। जो चेंज इन स्पीड है वो कितना है हम देख सकते हैं, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एंड यू विल फाइंड इट इज 0.25 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। या जस्ट चेंज को लिखते हैं, यूनिट को भी नहीं लिखते। कितना चेंज आया? 0.25 × 10⁸। मतलब यहां पे लाइट की स्पीड 2 थी, यहां पे 2.25 हो गई, बस इतना सा डिफरेंस हुआ है। कब? जब ग्लास से वाटर में ट्रेवल करती है। चलिए देखते हैं कि अगर यही लाइट रे ग्लास से एयर में जाती है तब क्या होता है। तो लाइट रे कुछ इस तरह से आएगी, इंसिडेंस हुई और इस तरह से हम मान लेते हैं चली गई। डायरेक्शन आप कहीं पे भी मान सकते हैं कि कैसी भी चली गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, हम उसको समझेंगे कि डायरेक्शन एक्चुअली किस तरफ होनी चाहिए लाइट की, ऐसी आ रही है तो ऐसी जानी चाहिए या ऐसी जानी चाहिए, हम इस चीज को थोड़ी देर में समझने की कोशिश करेंगे। बट फॉर टाइम बिंग हम मान सकते हैं कि लाइट रे ऐसी आई और ऐसी चली गई और यहां पे ऐसी आई और ऐसी चली गई, कोई इशू नहीं। सो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज एस जी, विच इज 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज एस ए, इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो चेंज कितना हुआ, हम लिख देंगे चेंजेस 1 × 10⁸। मतलब यहां लाइट की स्पीड 2 थी, यहां पे आके 3 हो गई, यहां पे 2 थी तो यहां सिर्फ 2.25 ही हुई।
इट मींस इस इंटरफेस पे चेंज कम आया, इस इंटरफेस पे चेंज ज्यादा आया। सो हम ये देख सकते हैं कि लाइट जब भी रिफ्रैक्ट होगी तो जरूरी नहीं कि उसमें जो चेंज आने वाला है वो कांस्टेंट हो, वो चेंज वेरिएबल भी पॉसिबल है। तो अब ये जो चेंज है हम इसकी वजह से किस तरह से एनालाइज करें कि रिफ्रैक्शन कैसे होगा, हम क्या जान सकते हैं इस चेंज से। ये चेंज बहुत काम का है। तो चेंज जो ये लाइट की स्पीड में आ रहा है इसके बेसिस पे हमने कुछ लॉज बनाए। हमने देखा था कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है कुछ डेफिनेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं जिनको फॉलो करते हुए ही लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो उसी तरह से जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन के केस में भी लाइट में रिफ्रैक्शन के लिए कुछ लॉ होते हैं जो हमेशा फॉलो होते हैं। ऐसे ही नहीं हो जाता रिफ्रैक्शन कि लाइट आई, टकराई और चली गई, इट्स नॉट लाइक दिस। यहां पे भी बिल्कुल लॉ जैसा हमने रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन में देखा था वैसे ही कुछ लॉज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। वो क्या थे? वो थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा था। यहां पे आ गए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब जब लाइट का रिफ्रैक्शन होगा तो कौन से लॉ फॉलो होंगे, लाइट किस तरह से रिफ्रैक्ट होगी, इस चीज को गवर्न करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सो हम समझने की कोशिश करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, बट उसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। एंड द कॉन्सेप्ट इज लाइक दिस कि हमने ये पढ़ा था कि लाइट इज अ रे। ओके, वी हैव स्टडीड कि लाइट इज अ रे। व्हाट वी हैव स्टडीड, हमने क्या पढ़ा है कि लाइट इज अ रे, लाइट एक रे होती। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि लाइट एक रे नहीं होती, ये जैसी रे कैसी है ये ऐसी ट्रेवल करेगी। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि लाइट एक रे नहीं होती, लाइट कुछ और होती है। वो कहते हैं कि लाइट जो होती है, लाइट इज अ वेव। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि लाइट क्या होती है, एक रे होती है, ऐसी सीधी चली जाती है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि लाइट क्या होती है, एक वेव होती है, ऐसी कुछ चलने वाली, ऐसा ऐसा सांप जैसा, ऐसा यूं। आपने पढ़ा होगा लाइट वेव, पानी की वेव ऐसी चलती है यूं ऐसा करके, तो ये ऐसी चल रही है, दिस इज वेव। नाउ हमने कहा कि लाइट रे है ऐसा समझ लिया, लेकिन कुछ ने कहा कि लाइट एक वेव है। अब क्यों कहा, इसके रीजन आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जो 12th क्लास में जब इंटरफेरेंस आएगा, डिफ्रैक्शन आएगा, पोलराइजेशन, ये सब चीजें, बट इट इज नॉट अवर कंसर्न। अभी हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम तो सिर्फ इतना याद रखते हैं कि ऐसे बाबा लोग थे। ओके, कुछ बाबा ने क्या कहा था कि ये रे होगी, कुछ बाबा ने बोल दिया कि नहीं ये तो वेव होगी, और कुछ बाबा तो कहते हैं कि ये दोनों होगी, कि ये रे भी होगी और ये वेव भी होगी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही चीज दो अलग तरीके से चल रही है? मतलब आप कह रहे हो कि एक सांप इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, एक स्नेक जा रहा है, तो वही स्नेक जो है वो सीधा भी जा रहा है और टेढ़ा मेढ़ा भी जा रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ओके, तो लेकिन उन्होंने कहा तो हम मान लेते हैं कि ठीक है, चलो आपने कहा तो ये वेव है, ऐसा मान लिया। तो वेव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो वेव के पास एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड मतलब पानी की वेव जो होती है, आपने देखा होगा पत्थर फेंकेंगे, धीरे से पत्थर फेंकेंगे तो छोटी छोटी वेव्स बनेगी, आप जोर से पत्थर फेंकेंगे तो बड़ी बड़ी वेव्स बनेगी। तो ये जो पानी की बड़ी वेव्स बोले या छोटी वेव्स बोले, तो इट मींस पानी की सतह से जो वेव है वो कितना ऊपर जाती है, वो मैक्सिमम कितना ऊपर उठ पाती है, दैट विल बी द एम्पलीट्यूड। तो इसी तरह से यहां पे भी ओके, देन एम्पलीट्यूड के बाद वेव के पास होता है वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ? अगर मैं मानता हूं कि एक वेव कुछ
ऐसी ट्रेवल करती है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि ये जो टॉप होते हैं वेव के, इन्हें हम क्रेस्ट बोलते हैं, क्रेस्ट। और ये जो बॉटम होता है इसे हम ट्रो बोलते हैं। तो क्रेस्ट हो गया और ट्रो हो गया। ओके, सो वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ होती है एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक का डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट। ऐसा आप याद रख सकते हैं, दिस इज द वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट या वेवलेंथ ऑफ दिस वेव। ये एक वेव है, हम सिर्फ इतना मान लेंगे कि एक वेव है और वेव ऐसी चलती है। वेव जो चलती है उसमें एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड मतलब ये डिस्टेंस इसका इस लाइन से, जो इसको बोलते हैं मीन लाइन, मीन पोजिशन, इस लाइन से ऊपर की तरफ कितना ये है डिस्टेंस है, दिस विल बी द एम्पलीट्यूड। ओके, वेवलेंथ क्या हो गई? दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो होती है वेवलेंथ। हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, और फर्दर आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, मतलब जूनियर क्लासेस में लाइट के बारे में, आप सॉरी लाइट नहीं, वेव्स के बारे में आपने बहुत डीप में एक चैप्टर पढ़ा होगा, साउंड्स में, जहाँ पे कंप्रेशन होता है, रिफ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन होता है, और वेव कैसे बनती है, क्या होती है, क्यों होती है, ये सारी चीजें। तो जस्ट इट्स अ क्विक रिविजन। वेवलेंथ हो गया, देन वेवलेंथ के बाद क्या होता है? एक टर्म होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? किसी भी लाइट रे की फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी मतलब, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे इस पॉइंट की बात करूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे ऐसे ये पॉइंट को होल्ड करके रखता हूं, इस पॉइंट की तरफ देखता हूं, तो नंबर ऑफ वेव्स जो कि 1 सेकेंड में इस पॉइंट से पास हो जाएंगी उन्हें हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। गेटिंग इट? कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप एक बस स्टॉप पे खड़े, आपने ये देखा कि 1 घंटे में 5 या 6 बसेस आप जिस बस स्टॉप पे खड़े हैं वहां से पास हो गई। पास हो गई मतलब एक बस आई, रुकी, पैसेंजर्स उतरे, चढ़े, चली गई। दूसरी बस आई, रुकी, सेम प्रोसेस, चली गई। तीसरी बस आई, रुकी, सेम प्रोसेस, चली गई। ऐसे करते करते 1 घंटे में मैं मान लेता हूं कि लेट से 5 बसेस उस बस स्टॉप से पास हुई। मतलब जो बस आके रुकने का, पैसेंजर्स के उतरने का और चढ़ने का ये जो प्रोसेस है, ये बार बार रिपीट हुआ। तो इस प्रोसेस को या इस नंबर ऑफ बसेस जो आ रही हैं, हम देखते हैं कि कितनी बार रिपीट होगा। तो ये प्रोसेस कुल 5 बार रिपीट हुआ। इट मींस उस बस स्टॉप पे बसेस के आने की फ्रीक्वेंसी इज 5। 5 बसेस पर आर, हर 1 घंटे में 5 बसेस आएंगी, अगले घंटे में भी 5 बसेस आएंगी। तो उसी तरह से ये वेवलेंथ के साथ भी होता है, इस वेव के साथ भी होता है कि एक, अगर मैं पॉइंट होल्ड करके रखूँ, ये ऐसा, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से 1 सेकेंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। 10 वेव पास हुई तो फ्रीक्वेंसी 10 है, 15 वेव पास हुई तो फ्रीक्वेंसी 15 है, ऐसे करके फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में कैलकुलेट किया जाता है। ओके, बट दैट इज नॉट अवर कंसर्न। हमें सिर्फ इतना सा ही मानना है कि लाइट रे जो लाइट जो होती है उसके पास फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, एम्पलीट्यूड होता है, और फाइनली होती है वेलोसिटी। लाइट रे में हमने देखा है वेलोसिटी होती है, ग्लास में जा रही है तो इस वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी। वेलोसिटी कह लीजिए या स्पीड कह लीजिए, इट इज वन एंड द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस स्पीड से ट्रेवल कर रही है, वाटर में जाती है तो इस स्पीड से हो जाती है, ग्लास में वापस इस स्पीड से, और पानी में सॉरी एयर में इस स्पीड से। तो इट मीन्स लाइट क्या है? लाइट या तो एक रे है, या फिर एक वेव है, या फिर दोनों है। कभी कभी दोनों एक जैसे, मतलब दोनों बिहेवियर देती है। हमें सिर्फ इतना ही मानना है कि लाइट ऐसी होती है, किसी बाबा ने कहा है ऐसा मान लीजिए। क्यों कहा है, कैसे कहा है, वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो फॉर टाइमिंग दिस इज द अजम्पशन, वी कैन से दिस। ओके, दिस इज समथिंग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, बट इतना हमें डीप में नहीं जाना। सो यू कैन नोट दिस, वी विल स्टार्ट फर्दर।